कुछ नाम आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पता चले कि चीतल ग्रैंड, मां भवानी जूस कॉर्नर, नीलम स्वीट्स और जनता वैष्णव ढाबा असल में मुसलमानों की दुकानें हैं, इनके मालिक मुसलमान हैं, तो क्या आप इन जगहों पर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने खाना पीना बेचने वाले तमाम दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर रोक लगा दी है। रोक क्यों लगाई है, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही एक बड़ी बात जो है वो ये भी है कि क्या वाकई आज के भारत में 2024 में इस देश में किसी को भी अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता है। याद कीजिए, एक जमाने में हिंदी फिल्मों में यूसुफ खान ने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर लिया था, मुमताज बेगम ने अपना नाम बदलकर मधुबाला कर लिया था, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी अपना नाम जॉनी वॉकर करके बड़े मशहूर कॉमेडियन बन गए थे, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी ने अपना नाम जगदीप रख लिया था। लेकिन क्या आज इसकी आवश्यकता है? क्या आज शाहरुख खान को अपना नाम बदलने की जरूरत है? सलमान खान को, आमिर खान को अपना नाम छुपाने की आवश्यकता है? क्या आज देश के करोड़ों हिंदू इन तीनों खान्स की फिल्में देखने के लिए नहीं जाते, बावजूद इसके कि ये मुसलमान है? और ये बहुत बड़ी बहस अब हमारे देश में चल रही है कि आज के नए भारत में पहचान छुपाने की आवश्यकता है या नहीं, इसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि आरएसएस ने क्या वाकई राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध किया था, और क्या वर्षों तक आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया गया था, इसका सच क्या है? और आखिर में आपको प्रधानमंत्री मोदी के नए आरोप के बारे में बताएंगे। आज उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने संसद में 2.5 घंटे तक उनका गला घोट कर रखा था। याद कीजिए, कुछ महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष यही आरोप लगाता था कि वो तानाशाह हैं और विपक्ष की आवाज को दबा कर रखना चाहते हैं और दबा रहे हैं, विपक्ष की कोई आवाज उठने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज वही आरोप प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं विपक्ष पर। पहले जब ऐसा हुआ, ये आरोप लगे थे मोदी पर, तो लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री देश का ये कहता है कि उनकी आवाज को दबा दिया गया, तो क्या अब लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं है? तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।